हेलो फ्रेंड्स, हेलो। तो गाइस आज हम जा रहे हैं श्रीनगर के लिए। आज हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है श्रीनगर में। आज 11 तारीख को हम मार्च महीने में हम श्रीनगर की तरफ निकल रहे हैं। हम निकले हैं गुरदासपुर से और मेरे साथ है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हेलो बुलबुल और उनकी बड़ी सिस्टर नीरू मुस्कान और सांडू मेरा कमल सांडू मतलब और हमारी छोटी सी गुड़िया और हाय बोलो हाय बोलो। ओके, तो हम निकले हैं बुलेट पे, अपने अपने बुलेट पे निकले हैं। गुरदासपुर से निकले हैं हम, बुलेट दिखाओ हमारे। हाँ, ये हमारी बाइक है, यहाँ से हम जा रहे हैं बाइक के लिए। कमल एक्चुअली अभी बुलेट है नया लिया था, बाइक अपनी नई ली थी, लास्ट मंथ ही ली थी। और हमारा जो पहला टूर है इसके नए बुलेट पे हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। और मेरा है 350 क्लासिक, दोनों का क्लासिक एक्चुअली। और हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए और ये हमारा व्लॉग मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि सारी प्लेसेस को हम कवर करेंगे, बढ़िया बढ़िया सा जो जो व्यू होएगा सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। ओके गाइस, लेट्स गो। माधुपुर, तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, तो आगे चलते हैं बिना रुके हुए। ये कठुआ पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम जम्मू में एंट्री कर चुके हैं, स्टार्टिंग हमारी हो चुकी है जम्मू में। और अभी थोड़ी देर में लखनपुर आएगा तो वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे कुछ टाइम के लिए। अभी हम लखनपुर पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो फेमस है लखनपुर भल्लों के लिए है, यहाँ पे भल्ले मिलते हैं। तो खाना कुछ होना, अच्छा लास्ट होनी इसे कर लेते हैं। कुछ लगे बल्ला खाला है वहाँ से खाए थे हमने मूंग दाल के बल्ले और अभी खाए हैं थोड़े थोड़े, और अभी निकल रहे हैं और सफर बहुत लंबा है, तो हम वैसे भी ब्रेक में लगा लगा के चलते हैं रुक रुक के, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से जम्मू के लिए। गाइज अभी हम सांबा पहुंचे थे, काफ़ी देर हमने बाइक चलाई, बाइक को काफ़ी खींची हमने, और कम से कम भी हम 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया एक ही बार में।
और सांबा के आसपास भी पहुंचे हैं ना। हाँ, और अभी हमने जम्मू यहाँ से 35 से आए तकरीबन 34-35 किलोमीटर है। और अभी हमने चाय मंगाई है और दो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं। हमारा ऐसा है कि जब कभी भी हम सफ़र करते हैं कोई ना कोई, तो मतलब बीच बीच में ब्रेक लगाते ही रहते हैं। वैसे सभी लगाते हैं, लेकिन हम चाय वगैरह हम ऐसा है कि चाय वगैरह भी बहुत इंजॉय करते हैं। चाय वगैरह पी लिए या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए, हाँ मठी हाँ मंगा लो मंगा लो, और इंजॉय करते हैं ऐसे ही 20-25 मिनट आधा घंटा यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। फिर कम से कम 1 घंटा बाइक चलाएंगे। हैं? हाँ हाँ चलो। हाँ विशिंदिया पत्ता बोल कहाँ जाना है। सही है शीशा वधिया। यहाँ पे चाय पी रहे थे, हमें भैया ने बताया कि एक शॉर्टकट रास्ता है उधमपुर जाने का। अगर हम वाया ये 4 लाइन जाते हैं तो उधमपुर हमें पड़ेगा एटलीस्ट 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के आसपास है। और इन्होंने जो शॉर्टकट बताया कि झील है वह मतलब पीछे, अगर हम यहाँ से इससे 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे और एक सिंगल रोड मिलेगी हमें 10 किलोमीटर लंबी झील है वहाँ पे, मानसर ऐसे कुछ बोलते हैं उसको प्लेस को। पूरा टूरिस्ट उधर से जा रहा है, टूरिस्ट कह रहे हैं कि सारा उधर से जाता है। तो खैर देखने चलते हैं हम, ऐसी प्लेसेस कोई कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी प्लेसेस कवर करें कि जहाँ तक आपने मतलब जहाँ पे गए ना हो आपको, जहाँ पे देखी ना हो, हम भी ऐसी नए नए प्लेसेस को हमेशा कवर करते हैं। वैसे भी शॉर्टकट हमें चाहिए था, तो 40 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा हमें, 40 किलोमीटर कम हो जाएगा हमारे रोड का, तो उसको फॉलो करते हैं शॉर्टकट को। और क्योंकि अभी तकरीबन 2:15 हुए हैं, तो 2:15 का मतलब अगर रात हो तो उसमें चलो थोड़ा सा हो जाता है, रिस्की हो जाता है ना कि शॉर्टकट वगैरह लेना। उस अगर शाम होती तो हम फिर शॉर्टकट नहीं लेते, अभी दोपहर है इसलिए हम शॉर्टकट ले रहे हैं और साइड से जा रहे हैं। अभी हमने शॉर्टकट ले लिया है जो हम बात कर रहे थे। पहले हमें पता नहीं था कि होगा अच्छा या नहीं होगा, मतलब लास्ट टाइम मनाली गए थे तो एक शॉर्टकट ले लिया था तो भारी पड़ गया था, मतलब अंधेरा हो गया था, बहुत मुश्किल से पहुंचे थे हम। फिर ये वाला अच्छा है, ये वाला शॉर्टकट अच्छा है वाकई में। तो उधमपुर यहाँ से 40 किलोमीटर में कम पड़ेगा, रोड भी बहुत चौड़ी है, मतलब सिंगल है रोड बट बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। और तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस शॉर्टकट को ले सकते हैं। ऊपर से चले जाएंगे हम, जम्मू नहीं जाएंगे, तो क्योंकि हमने जाना तो मेन श्रीनगर है। और अभी जो प्लान है हमारा, हम शायद लेट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि पत्नीटॉप रास्ते में आएगा तो वहाँ पे जाएंगे। बहुत अच्छी प्लेस है वो घूमने के लिए पत्नीटॉप, और उसको एक्सप्लोर करेंगे वो क्या क्या खास खास जगह है वहाँ पर घूमने के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लेस है, बढ़िया अच्छी प्लेस है ना। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर ही रहे आज।